हे गाइज, नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे एक नए तरह के फ्रॉड के बारे में। आजकल आप देख रहे हैं कि लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, मतलब जो फ्रॉड करने वाले हैं ना, ये हमारे तुम्हारे बीच के लोग हैं। और ये लोग इतने शातिर किस्म के लोग हैं कि ये लोग तरीका ढूंढते हैं कि कैसे लोगों को ठगा जा सकता है। तो एक नए तरह का फ्रॉड सामने आया, जिसे देखकर मुझे भी बड़ा अचंभा लगा कि यार इस तरह के फ्रॉड भी किए जा सकते हैं। तो उसमें हुआ क्या था कि मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ कि उसमें हुआ क्या था। उसमें हुआ ये था कि उस जो फ्रॉडस्टर था, मतलब जो फ्रॉड करने वाला था, उसने वेबसाइट पूरा वेबसाइट को अच्छे से देखा, जो ये गवर्नमेंट वेबसाइट होती है। आपको पता होगा कि ये जो आंगनवाड़ी होती है, इनको 1000 रुपये का अमाउंट दिया जाता है। यानी किसी के घर बेबी होता है या इनकी देखभाल करते हैं, या गलती से लड़कियाँ हो जाती हैं, तो कुछ अमाउंट एक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दिया जाता है, जो जिस तरह की ये योजना है। तो ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं, ये क्या कॉल करते हैं कि जो ANM होती हैं और इसी से रिलेटेड जो भी होती हैं, ANM और कुछ गांव में किसी तरह की आंगनवाड़ी टाइप की जो कुछ जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ये इनको कॉल करते हैं सीधा। इनका नंबर पता नहीं कहाँ से निकालते हैं, जो आसानी से मुझे लगता है कि इसमें इनबिल्ड होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ना, यहीं से इनके नंबर निकाले जाते हैं, जो इनको नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इनका नंबर निकालने के बाद ये इनको कॉल करते हैं और इनसे पूरा डेटा इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि इनके पास सारी डिटेल होती है, क्योंकि यही एक बीच में मीडिएटर होते हैं कि डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट तक पहुंचाने में। यानी अगर उस स्कीम का आपको लाभ लेना है, तो ये सिर्फ आंगनवाड़ी के जो लोग होते हैं, यानी ANM जो होती है, वो आगे डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड करती हैं। तो उसमें हुआ ये कि उसने ANM को कॉल किया, बताया कि मैं सरकार से बात कर रहा हूँ और किस किस जगह क्या क्या एक्टिविटी हुई है, यानी कौन कौन बच्चों का एनरोलमेंट आपने किया है, उसका मुझे डेटा यहाँ पे दो। तो वो सारा डेटा उसमें दिया जाता है। उसमें जब गवर्नमेंट को जब वो रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उनमें डेटा जो दिया जाता है, तो उसमें सारी अकाउंट्स की डिटेल्स, IFSC कोड, सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होती हैं। जब सारी चीज़ें वो सारी डिटेल दे दी जाती हैं, तो ये सीधा कॉल करते हैं उस बंदे को जहाँ ये जिसको इसका लाभ मिलना है। तो उसको कॉल करने के बाद उसको बताया जाता है कि आपका नाम ये है, आपका आधार नंबर ये है, जो कि वो ANM से ऑलरेडी ले चुके हैं। उनको सारी चीज़ें जब बताई जाती हैं कि हम अपनी वेबसाइट पर चेक कर रहे हैं, उन्हें भी ऐसा लगता है कि यार हाँ, जब बंदा इतनी चीज़ें बता रहा है तो जेन्युइन ही होगा। अब देख लेते हैं कस्टमर को, कस्टमर की जान पहचान के अकॉर्डिंग, कि ये कस्टमर यानी जिसको हम फ्रॉड कर रहे हैं, जिसको फंसाने वाले हैं, ये कितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। उसके हिसाब से कई बार CVV नंबर ले लेते हैं, कई बार OTP भी ले लेते हैं कि आपका पैसा अभी इंस्टेंट आपको भेज रहे हैं, आपको अभी इसका लाभ मिल जाएगा। कई बार झांसा दे देते हैं, लोग फंस जाते हैं कि भाई ज़्यादा अमाउंट आपको मिल जाएगा, ज़्यादा अमाउंट के चक्कर में वो लोग बड़े आसानी से इसमें फंस जाते हैं। और ये लोग इतने अजीब तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं कि ANM को भी नहीं बकस रहे हैं, ANM को भी कॉल करते हैं, उन्हें बताया जाता है कि आपने इतने इतने बच्चों की डिलीवरी की है या करवाई है, तो आपको इतना अमाउंट आना है। इनको एग्जैक्ट वेबसाइट से सब कुछ पढ़ लेते हैं कितना अमाउंट आना है उस पूरी इस योजना को, इतना अमाउंट आना है जो आपके इंस्टेंट आपके अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप इस अमाउंट को अभी चाहते हो, तो इस तरह से OTP बता दो, या CVV बता दो, या हमें ये डिटेल्स दे दो। इस तरह से करके फ्रॉड कर लेते हैं। तो बहुत नया फ्रॉड है और बहुत ज़्यादा लोग फंस रहे हैं इसमें, तो मुझे लगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, ताकि आप इस तरह के जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बच सकें। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि चैनल की भी कुछ ग्रोथ हो जाए। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।